ना कोई साफ सफाई करने आता है, ना कि कुछ चीज ऐसा चीज होता है। बहुत सारी समस्या, नाली लबालब भरा रहता है, वो देखिए आपके सामने में कचरा वहाँ पे लगा हुआ है। छोटा छोटा बच्चा लोग गंदगी में खेलते रहती है। दिवाली होने के कारण लेबर लोग भी, लेबर की कमी हो गई है। सिर्फ शौचालय है और इतना दिनों से गंदा पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरमे टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। इस वक्त हम मौजूद है जोन 3 के वार्ड क्रमांक 29 पे, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह की गंदगी है, और देखते हैं आगे लोगों से जाने की कोशिश करते हैं कि इस वार्ड में कौन कौन सी समस्या है। आपका क्या नाम है? सावित्री पटेल। अच्छा, यहीं के रहने वाले जी? अच्छा, तो आपके लिए यहाँ ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिस पर निवारण? ये नाली सफाई नहीं होता है, छोटा छोटा बच्चा लोग गंदगी में खेलते रहती है, तो सफाई तो आप करना चाहिए ना। पार्षद बने हैं तो भाई, किसी का तो अधिकारी बने हैं तो देखना चाहिए नहीं गरीब लोग को? जी, तो कभी शिकायत की है इसकी आपने? क्यों बाहर हो गए, हम गरीब आदमी हैं, तब भी हम बोलता है तो बाबू यह नाला पूरा सफाई नहीं होता है। हाँ ना, हो जाएगा ऐसे बोलते हैं मैडम, अब नहीं आता। अच्छा, तो अभी तक उनके कोई आदमी यहाँ पर आए नहीं है काम करने के लिए? सिर्फ नहीं आए। मेरा नाम है राजेश तांडी, मैं जगन्नाथ नगर निवासी हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिन पर काम होना चाहिए? पार्षद से कभी हुई है ऐसी बात? बहुत सारी समस्या, नाली लबालब भरा रहता है, वो देखिए आपके सामने में कचरा वहाँ पे लगा हुआ है, और पार्षद एक बार भी यहाँ भ्रमण नहीं करते हैं और उनका एकदम स्लो काम है। अच्छा, तो कभी शिकायत की है आपने यहाँ? बहुत बार शिकायत की है, हमने फ़ोन भी किया कि यहाँ नदी नाले भर गए हैं, झाड़ू नहीं लगता है, यहाँ बच्चे देखो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। तो क्या कहना है उनका इस शिकायत को लेकर? बोलते कि हो जाएगा बस। आपका नाम बताइए? काशी कुमार। अच्छा, आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं? जी। तो आपको क्या लगता है इस वार्ड में कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिन पर काम करना होना चाहिए? यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं जो पहले जैसा है ही नहीं, साफ सफाई से लेकर सब चीज अभी एकदम कमजोर हो चुका है, ना कोई साफ सफाई करने आता है, ना कि कुछ चीज ऐसा चीज होता है। और दूसरा चीज ये है कि नाली वाली जैसा पहले हर टाइम आते रहते थे, रोज एक दिन दो दिन में, तो वो इस टाइप का हो ही नहीं रहा अभी। इस 5 साल में तो कुछ काम नहीं हुआ हमारे पास। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने कहीं की है? शिकायत कौन करेगा, सब सरकार तो उन्हीं की ही चल रही है, कांग्रेस की सरकार है। और दूसरा से पार्षद आता नहीं है यहाँ पे, आते हैं तो कभी कभार उधर से ही फिर निकल जाते हैं, इधर कोई नहीं आता मिलने के लिए। चेंजेस करने की जरूरत अभी क्या है, ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, सफाई पर तरफ ध्यान देना है। और हमारा जो सुलभ शौचालय है और इतना दिनों से गंदा पड़ा है कि लोग बीमार पड़ सकते हैं, ना उसका सफाई हो रहा है, ना पानी का व्यवस्था हो रहा है, ना कुछ का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आम जनता के जिसके घर में शौचालय है उनके लिए ठीक है, और जिसके लिए नहीं है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, बूढ़े जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, कल को कुछ बीमारी हो जाएगा या हैजा फैल जाएगा, उसका जवाबदार कौन होगा? अच्छा, तो इसकी शिकायत करी है आपने कभी यहाँ पर? शिकायत करे हैं, पार्षद से शिकायत करे थे, पार्षद तो करा देंगे बोले, अभी तक कराए नहीं, ना मोटर का पानी का व्यवस्था है, ना सफाई का व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो उनकी तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है अभी? इतना दिन तो हो गया, अभी तक नहीं करा, 15-20 दिन हो गया है। अच्छा, तो 15-20 दिन पहले आपने शिकायत की थी इस बारे में? किए थे, उसके बाद उनका कोई भी रिएक्शन नहीं है? इतना गंदा गई, आप जाकर देख लो, क्या घुसना मुश्किल हो जा रहा है। तो आप क्या चाहती है, क्या करे वो अभी इसके लिए? सफाई कराए, पानी का व्यवस्था कराए, हाँ बस ऑलमोस्ट जो मांग है वो यही है साफ सफाई को लेके। तो चलते हैं पार्षद की तरफ और उनसे जाने की कोशिश करते हैं कि क्यों अब तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पुरुषोत्तम बेहरा जी, तो आइए जाने की कोशिश करते हैं कि इनकी शिकायतों पर, जो जनता की इतनी शिकायत है उन पर इनका क्या कहना है। लोगों की यहाँ के लोगों की शिकायत ही है कि यहाँ के जो नाली है वो साफ़ नहीं होता है, जो सुलभ शौचालय है उसमें भी इतनी गंदगी भरी हुई है। उन्होंने आपसे कई बार शिकायत की है लेकिन आपने उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ सबसे पहले मैं नाली की सफाइयों की बात करूँ तो नाली की सफाई बराबर हमारा रूटीन बना हुआ है, मतलब एवरी वीक पर डे, मतलब एक एक दिन में एक एक दो दो मोहल्ले करके हम लोग कवर करते हैं, और हमारे सफाई कर्मी हफ्ते में एक बार हर मोहल्ले पे जाके सफाई करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर आपसे 15-20 दिन पहले ही शिकायत कर चुके हैं लेकिन अभी 10-15 दिन में ऐसा हुआ है फिलहाल पे, क्योंकि दिवाली होने के कारण लेबर लोग भी, लेबर की कमी हो गई है, क्योंकि सारे लेबर गाँव भी चले गए थे,
दिवाली मनाने, तो थोड़ा सा लेबर लोग के दिक्कतों की वजह से थोड़ा सा उसका सामना करना पड़ रहा है परेशानियों का, लेकिन हमारे लेबर आ गए हैं आज, आज से और अच्छी सफाई हो रही है। अच्छा, और बिजली की तारें हमने भी देखे हैं वहाँ, बहुत लटके लटके हैं, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, तो उनकी शिकायत है कि आप उन पर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और उनका शिकायत तो वो बहुत पहले कर चुके हैं आपसे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ की जितनी बिजली की वार्ड की जितनी बिजली की तारें हैं जो नीचे हैं उनको आधे से ज़्यादा वायरों को मैंने ऊपर करवा दिया है, अभी और कुछ वायरें हैं जो बाकी हैं उनको भी हम बहुत जल्दी करवा देंगे। अच्छा, तो आप क्या बोलना चाहते हैं, ये जितनी भी उनकी शिकायत है उनका निराकरण कब तक हो जाएगा? निराकरण हम लोग करवाते, आज हम लोग को जाना था दोपहर में जाएगा, आप जहाँ से आ रहे हैं अभी बाइट लेके वहाँ पे हमारे दोपहर को लेबर जाने वाले हैं, सुबह अभी दूसरे जगह क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण है और कुछ इवेंट्स हो रहे हैं हमारे यहाँ, भागवत हो रहे हैं और 2-4-5 इवेंट हो रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ह्यूज लेवल पे बहुत अमाउंट पे मतलब लोग आएंगे, तो वहाँ की तैयारियों के कारण अभी मोहल्ले पे थोड़ा सा आज नहीं भेज पाए, लेकिन लेबर आज आ गए हैं प्रॉपर हमारे पास, जितने लेबर थे ना आज वहाँ भेजना था, लेकिन आज एकदम इमरजेंसी में उन लोग बुलाया तो वहाँ चले गए, अभी आज दोपहर तक वहाँ पे चले जाएंगे लोग। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से मैंने अभी देखा है वहाँ की नाली की गंदगी, वहाँ जो बड़े बड़े नाले उन पे जितने कचरे, मुझे ये नहीं लगता कि वो 10-15 दिन का ही जमाव है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत दिन हो गया है उसके साफ सफाई पे। तो ऐसा आपको लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा लोगों का कहना, क्योंकि लोगों का भी आज क्या है ना, हम लोग तो हमारे जो सफाई मित्र है वो सफाई कर रहे हैं पूरे वार्ड में, लेकिन आज ना लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, जिस प्रकार आज लोग सब चीज़ देखने के बाद गंदगी से आज लोग वो हैं, लोगों को डिजीज़ हो रहे हैं, कई तरीके के बीमारी हो रही है, लेकिन तब भी जनता जागरूक नहीं हो रही है, जनता को अब जागरूक होने की ज़रूरत है, जनता को कचरा नालियों पे नहीं, गाड़ियां आती है हमारी डोर टू डोर, तो उसमें कचरा संग्रहण करने के लिए हमारे जो निगम से व्यवस्था की गई है उसमें डालने की ज़रूरत है, लेकिन लोग आज भी नालियों में कचरा डाल रहे हैं, और आज की डेट में अगर आज कोई नाली सफाई होती है तो तुरंत दूसरे दिन फिर वही स्थिति हो जाती है, उत्पन्न हो जाती, क्यों? क्योंकि पब्लिक ही जागरूक नहीं है अभी। तो आपको अगर यहाँ का वार्षिक बनाया गया है तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है उन्हें ये समझाना आपने। तो हम नहीं नहीं बिल्कुल हम लोग जागरूक रैली भी निकाले हैं सफाई को लेके, और हम लोग और 1-to-1 मोहल्ले मोहल्ले में बैठ के अब क्या है ना हमारा वो कर रहे हैं अभियान, एक पूरा अभियान चला रहे हैं सफाई को लेकर। तो क्या समझूं मैं, अगर मैं 10-15 दिन बाद यहाँ आती हूँ तो यहाँ की जितनी भी अभी मेंटेनेंस मैंने देखी है बिगड़ी हुई वो सुधर जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल सुधरेगी, और हमारा ये रेगुलर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ साफ सफाई सब मेंटेन हो गया, आपने खुद बोल रहे हैं कि आप 15 दिन से ही इतना तकलीफ हो रही है, 15 दिन पहले ये तकलीफें थी नहीं, 15 दिन पहले की दिवाली थी, तो दिवालियों में लेबर चले गए उसके कारण आज ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि आपने देखा कि पार्षद का कहना है कि अगले 15 दिन के बाद हमें ये समस्या नहीं देखने को मिलेगी, तो देखते हैं आगे इनका क्या कार्रवाई करते हैं ये। जहां एक तरफ यहां के लोगों की इतनी सारी शिकायतें हैं तो वहीं दूसरी तरफ वहां के पार्षद पुरुषोत्तम बेहरा का कहना है कि उनकी तरफ से सारी शिकायतों पर काम किया जाता है, हर हफ्ते कर्मचारी जाकर वार्ड की साफ सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी वार्ड के लोगों की शिकायतों को लेकर उन्होंने दावा किया कि वे अगले 15 दिनों के अंदर सभी शिकायतों का निराकरण करेंगे। जैसा कि आपने देखा यहाँ की जनता का क्या कहना है और उससे लेकर पार्षद का क्या कहना है, तो देखते हैं अब 10-15 दिन की उन्होंने बात कही है कि हम 10-15 दिन के अंदर ये जो सारी समस्या है उनका निराकरण करेंगे, तो हम इसके बाद आपको इसका अपडेट ज़रूर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए सुरमा टाइम्स के साथ। अगर आपके भी एरिया में ऐसी कोई परेशानी है जिसे सामने लेकर आना ज़रूरी है तो हम सुरमा टाइम्स को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।